तो हेलो एवरीवन, मैं रोनिन आ गया हूँ एक और ओपी सोलो रैंक पुश गेम प्ले के साथ। तो गाइज, कल आ रहा है न्यू सीजन C4S10। जिनको नहीं पता, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं सोलो में रैंक पुश करता हूँ और इस सीजन में सोलो लीडरबोर्ड के टॉप 20 प्लेयर में था। और नए सीजन में मैं कोशिश करूंगा टॉप 5 या फिर टॉप 10 में तो पक्का रहूं। तो गाइज, कल मैंने कॉन्कर पुश से रिलेटेड कुछ टिप्स बताया था और भाई आज मैं उसी टिप्स को प्रूव करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप लोग पहले उस वीडियो को देख लो, और मैं कितना सही रहता हूँ आज के वीडियो से आप लोग को पता चल जाएगा। भाई मैं जो भी टिप्स देता हूँ ना, खुद के एक्सपीरियंस से देता हूँ। मैं वो गलती कर लेता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ कि वो गलती मत करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सोलो रैंक पुश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहता हूँ। और गाइज, अगर ये गेम प्ले अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि गाइज वो लोग का भी रैंक पुश में हेल्प हो सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी मेरा स्टार्टिंग में ही 2 किल हो चुका है। अभी भी यहाँ पर एक दो बंदे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सेफ ही खेलता हूँ। यहाँ पर मैं 3 ही किल करके निकल जाता हूँ। मेरे पास गाड़ी भी आ चुका है, इसलिए मैं अब घूम घूम के बंदे को मारने वाला हूँ। यहाँ पर 2 बंदे टीम अप करके बैठे हुए रहते हैं, एक को तो मैं मार देता हूँ और गाइस दूसरा बंदा जस्ट मेरे सामने है। मॉली करने के चक्कर में मैं नूब की तरह मर जाता हूँ। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास अभी रिकॉल का ऑप्शन था। फिलहाल मैं अपना लूट कंप्लीट कर ही रहा था कि एक बंदा मेरे ऊपर पुश करने का कोशिश करता है। ये बंदा खतरनाक डैमेज रहता है, और जिस तरह से ये मेरे आसपास बग्गी घुमा रहा था ना, मैं समझ जाता हूँ ये हील करके फिर से आएगा। और भाई मैं बिल्कुल सही रहता हूँ। अगला जोन मेरे से काफ़ी दूर शिफ्ट हो चुका है, पर फिर भी अभी मैं जोन में मूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे सामने एक बंदा है। अगर आप लोगों ने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने कल की वीडियो में ही बताया था, अगर आप लोग ओपन में कुछ भी कर रहे हो ना तो एक स्मोक कर लो। अगर ये बंदा स्मोक करके गाड़ी पे बैठता तो शायद ये बच जाता। और भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अभी देखो आगे क्या होने वाला है। अब आप लोग ध्यान दो, मेरे पास थोड़ा सा एमो कम रहता है, इसलिए मैं सोचता हूँ बाहर वाले बंदे का पेटी लूट लूँ। पर गाइस अभी जोन बड़ा रहता है तो इसलिए मैं सोचता हूँ जोन श्रिंक हो जाएगा फिर जाकर लूटूंगा। पर गाइस मैंने जस्ट कल के वीडियो में ही बताया था कि भाई कैंपर सोलो में कहीं पर भी रह सकते हैं, आप लोग हमेशा स्मोक करके काम किया करो। पर मुझे लग रहा था मेरे जस्ट बगल में जोन है तो कोई और बंदा बाहर से नहीं आएगा, और भाई मैं कितना गलत रहता हूँ, बस देखते जाओ। देखा भाई, पता नहीं ये बंदा कितनी देर से यहाँ पर लेटा हुआ था। इस बंदे का अभी तक सिर्फ 1 ही किल है और वो पहला किल मैं ही था। खैर अब चलो चलते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ। फिर से मेरा 2 किल हो चुका है और भाई अभी मेरे सामने एक और बंदा रहता है, और गाइज वो खतरनाक कैंप करके बैठा हुआ है।
अब यहाँ पर कोई बंदा नहीं है और मेरे पास अभी रिकॉल कार्ड बचा हुआ ही रहता है, इसलिए यहाँ से अपना लूट कंप्लीट करके मैं निकल जाता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सोलो में स्मोक करके कुछ भी करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो देखो अभी आपके साथ क्या होगा। देख रहे हो, यही छोटा छोटा गलती आप लोग को नहीं करना है। अगर ये बंदा स्मोक करके लूट रहा होता तो पक्का है कि ये बच ही जाता। और गाइस, कल के वीडियो में मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया था, आप लोग को अननेसेसरी फाइट नहीं लेना है। अननेसेसरी फाइट का मतलब क्या होता है देखो अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखा, मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। जोन के बीच में एक कंपाउंड था, अगर मैं चाहता तो वहाँ पर जाकर आराम से होल्ड कर सकता था। इस तरह से समझो, अगर आप लोग एक मैच खेल रहे हो, उस मैच में आप लोग 10 बंदे के ऊपर पुश कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग 10 बार फाइट निकाल ही लोगे। कभी ना कभी तो होगा कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, इसलिए भाई मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को सोच समझ के फाइट लेना है। अगर आप लोग कहीं से बच के निकल सकते हो, फाइट को अवॉइड कर सकते हो, तो हमेशा करो। पर अगर आप लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, सिर्फ फाइट ही लास्ट ऑप्शन है, तब वहाँ पर आप लोग को फाइट लेना है और उस फाइट में आप लोग को अपना 100% देना है। इस तरफ तो का फाइट लेने से कोई फायदा नहीं है, देख रहे हो इसमें भी मुझे माइनस लग जाता है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, नए सीजन के लिए ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब किया ना बिल्कुल मत जाना, और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि गाइस वो लोग का भी रैंक उसमें हेल्प हो सके। तो चलो मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।